अंडा का करी हम बनाए हैं ऑमलेट करके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होगा, मैं भी अच्छा हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, कहाँ पाम है हम लोग का, वहाँ पर बैठी हूँ और इधर हम साग तोड़ने आए हैं बगल में। तो ऐसे वाला साग तोड़ेंगे मेरे पास है यहाँ पर, हम दिखा रहे हैं। इसका हम चटनी बनाएंगे, इसीलिए तोड़ रहे हैं। तो हम कैसे चटनी बनाएंगे, आज नारियल डाल करके चटनी बनाएंगे इसको। देखिए दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं अभी, इसको हम चटनी बनाएंगे। बंगाली लोग थान कुनिया पत्ता बोलते हैं, हम लोग का संताली में इसको बोलते हैं डंगा पुरानी सक्का। देखिए इसको खाना बहुत अच्छा है, तो हम लोग इसको खाएंगे, चटनी बनाएंगे इसको। पूरा बगान में हम लोग निकालने गई थी, निकालने हैं कितना सारा। देखिए पत्ता को हम अच्छे से साफ किए हैं, अच्छे से धो लिए हैं। और इधर एक टो अनियन को, प्याज को काट दिए है पतला पतला, और हम उसी को इसमें डाल देंगे। और इसी में लिए है ये अदरक लहसुन और मिर्चा। और इधर हम लिए है नारकेल। नारियल हम डाल दिए इसी में, पानी इमली पानी को हम इसी में डाल देंगे। अभी हम नमक डाल देंगे थोड़ा से, इसको हम पीसेंगे। अभी इधर चटनी पीस लिए हैं, इधर हम सब फ्राई कर रहे हैं और बाहर किचन में खाना बना रहे हैं, इधर सब्जी बना रहे हैं। यहाँ पर हम फ्राई कर लिए हैं, ये का चप है, क्या बोलते हैं, केला फूल का चप बनाए हैं। तो आप लोग को हम नहीं दिखाए, तो ऐसे हम बना दिए हैं केला का चप है। और इधर हम चटनी को पीस लिए हैं। चटनी को पीसे अरे कच्चा आलू का चटनी है। अंडा का करी बनाने के लिए तो हम अंडा को ऑमलेट करके करी बनाएंगे। तो हम इधर अंडा को तोड़ दिए हैं 10-15 टो है, और 2-3 टो मिर्चा को काट दिया, प्याज को काट दिया, इसमें हल्दी और नमक डाल दिए है, पेपर पाउडर डालेंगे और इसको ऑमलेट बनाएंगे, उसके बाद करी बनाएंगे। किचन में अंडा का करी हम बनाए हैं ऑमलेट करके, और इधर हम पोटल का भाजी बनाया है। सब काम ख़त्म करके अभी हम खाना खाने बैठ गए। तो देखिए हम ये केला फूल का चौप बनाए हैं, और ये थनकुनिया पत्ता का चटनी है, और ये कच्चा आलू का चटनी, चना का सब्जी, पोटल का भाजी, और ये अंडा के साथ हम टोमेटो के साथ हम करी बनाए थे, सलाद, ये सांबर, और इधर मेरा फ्रूट है। अभी हम खाएंगे। अभी हम खाना खाने बैठ गए, सबको खाना हो गया है, मैं तो लास्ट में खाना खाती हूँ। इधर हम खाना ले लिए हैं, अभी हम खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम खाना खा लिए, अभी हम बाज़ार जाएंगे, थोड़ा कुछ बाज़ार करना है, हम घर जाना है, कल हम घर जा रहे हैं, तो कुछ सामान चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए हम बाज़ार जा रहे हैं। मेरा बाज़ार हो गया, अभी हम घर जा रहे हैं। तो मैं बैठ गई हूँ, हेलो दोस्तों, हम बाज़ार से लौट रहे हैं, इधर हम खरीद लिए हैं। अभी कितना जोर से पानी आएगा, होगी हवा दे रहा है, और अभी हम घर भी पहुंच गए, पानी होगा ना क्या होगा नहीं जानते, पूरा धुड़म धुड़म कर रहा है अभी हम। ठीक है, आज का ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय।